हेलो गाइस, आई एम अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने तवा मसाला रेडी करना है। तवा मसाला के लिए मैंने लिए हैं धनिया सीड्स 2 टेबलस्पून, जीरा 2 टीस्पून, मेथी दाना 2 टीस्पून, कार्डमम 4, हिंग ली है पिंच, ये मैंने सिनेमन स्टिक ली है, ये पेपर कॉर्न्स लिए हैं मैंने 8, क्लॉव्स 5 पीस, सौंफ ली है मैंने 1 टेबल स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है 5 मिनट के लिए। इसमें मैंने हल्दी और आमचूर नहीं ऐड किए, उसको नहीं ड्राई रोस्ट करना, उसको हम ग्राइंड करने के बाद ऐड करेंगे। जब ये सारा मटेरियल हमारा ड्राई रोस्ट हो गया, उसके बाद इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, अब मैं ये इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करने लगी हूँ। धनिया सीड्स, सौंफ, पेपर कॉर्न्स, क्लॉव्स, कार्डमम, सिनेमन स्टिक, हिंग, मेथी दाना, और ये जीरा। इसको लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। हमारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने मिक्सी में इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के टाइम हमने ये सिनेमन स्टिक अलग निकाल देनी है। ये हमारा तवा मसाला ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें आमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड करने लगी हूँ। इसको ऐड करने के बाद हम एक बार इसको मिक्स करेंगे मिक्सी में। ये हमारा तवा मसाला रेडी है। सबसे पहले हमने मिक्स वेज के लिए वेजिटेबल्स लिए हैं। ये मैंने 1 कैप्सिकम, ये मैंने लिए लेडी फिंगर 10 पीसेस, बीन्स लिए हैं मैंने 50 ग्राम, कैरेट लिए मैंने 3 पीसेस, कॉलीफ्लावर स्मॉल पीस लिया, 3 पोटैटोज लिए। आप इसमें अरबी भी डाल सकते हैं, ब्रिंजल भी डाल सकते हैं, पीस भी डाल सकते हैं, जो जो वेजिटेबल आपको पसंद हैं, जैसे पनीर हो गया, ब्रोकली हो गई, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल पहले से ऐड किया हुआ है। ये मेरा ऑयल अब गर्म हो गया। अब हमने ये वेजिटेबल्स है जो फ्राई करनी है। सबसे पहले मैं इसमें पोटैटोज ऐड कर रही हूँ, जो हमारी हार्ड चीज़ है वो सबसे पहले ऐड करनी है। ये हमने 1 बाय 1 करके वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना।
जी हमारे पोटैटो फ्राई हो गए हैं। अब नेक्स्ट वेजिटेबल को फ्राई करना है, कॉलीफ्लावर को फ्राई कर रहे हैं। ये हमारी कॉलीफ्लावर फ्राई हो गई है। अब मैं नेक्स्ट वेजिटेबल फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं लेडी फिंगर को फ्राई करने लगी हूँ। ये हमारी लेडी फिंगर भी फ्राई हो गई है। अब नेक्स्ट वेजिटेबल फ्राई करते हैं। अब हम कैप्सिकम को फ्राई करने लगे हैं। ये हमारी कैप्सिकम फ्राई हो गई है। हम कैरेट को फ्राई करने लगे हैं। ये हमारी कैरेट भी फ्राई हो गई है। अब हम बीन्स को फ्राई करने लगे हैं। ये हमारी बीन्स भी फ्राई हो गई हैं। ये हमारी वेजेस फ्राई हो गई हैं। अब हम मिक्स वेज के लिए इसकी जो ग्रेवी है अनियन और टमाटोज ऐड करके वो रेडी करने लगे हैं। पहले मैंने ये पैन लिया है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होने दीजिए। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं अनियन ऐड करने लगी हूँ। अनियन को हमने कुक करना है ब्राउन होने तक। हमारे अनियंस फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं हमारे मसाले ऐड कर रही हूँ। टू टेबलस्पून तवा मसाला जो हमने रेडी किया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिल्ली, हल्दी 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं।
जाएंगे। अब इसमें मैं हाफ कप टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। के लिए हमने इसको कुक करना है। ये हमारे अनियन और टमाटोज कुक हो गए हैं। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। जो वेजिटेबल हमने फ्राई की थी वो वन बाय वन सारी वेजिटेबल ऐड कर लो। सबसे पहले कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, और ये हमारे पोटैटोस। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब 10 मिनट्स के लिए इसको ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पे रख देना है। ये हमारी मिक्स वेज रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।